और इसमें 7 इंच का एल्पाइन का स्क्रीन लगा रहे हैं एक अच्छे आउटपुट के लिए, और एक 12 इंच के हम सबवूफर लगा रहे हैं। ये स्लीप से क्या होता है कि जो अगर चूहे तार काटने का कोशिश भी करे, चूहे तार नहीं काट पाते, यहीं से मिड बेस में पावर जा रहा है और यहीं से मिड रेंज में जा रहा है और यहीं से टूटर में जा रहा है, मतलब पूरा 3 वे क्रॉस ओवर चलता है। स्टोमाइज पिलर पोर्ट्स है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत प्यारी फिटिंग आई है। करें जो अगर हम स्क्रीन चेंज करते हैं, अगर अच्छे किसी ब्रांड के लगाते हैं, तो जो हमारे हमारा ऑडिशन का वो चे श्री जो आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑफर लॉट जरूर बजता है, लेकिन जो क्वालिटी की बेस हमें सील बॉक्स में मिलता है। गाइस ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो, नई वीडियो आज हमारे पास है मारुति सियाज। इसमें ऑडियो सेटअप कर रहे हैं, जो हम ऑडियो में लगा रहे हैं फ्रंट 3 वे, रियर 2 वे, उसके साथ एक 5 चैनल वाली फैन लगा रहे हैं हर्ट्स का, और इसमें 7 इंच का एल्पाइन का स्क्रीन लगा रहे हैं एक अच्छे आउटपुट के लिए, और एक 12 इंच के हम सबवूफर लगा रहे हैं। तो मैं आप लोग को जो सारी चीज कार के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे क्या लगाया, 3 वे कैसे फिटिंग करी है, 2 वे कैसे फिटिंग करी है, और 5 चैनल भी दिखाऊंगा। 5 चैनल हमारा क्या होता है, 1 एम्पलीफायर से हमारा फ्रंट रियर स्पीकर भी चल जाते हैं और सब वूफर भी चल जाते हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले वायरिंग दिखाता हूँ, तो हम स्टार्टिंग वायरिंग से करते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताया कि जैसे हमने इसमें 1 5 एम्पलीफायर लगाया, तो हमने वायरिंग किट एक ही डाली है जो हमारा रहने वाला 4 इंच का, ये हमने 1 एम्पलीफायर से ही हमारा स्पीकर और सब वूफर चल रहा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके अंदर फ्यूज लगाते हैं जो हमारा 100 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है। कल को कुछ अगर AMB शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ सामान शॉर्ट सर्किट होता है, तो सबसे पहले आपका फ्यूज उड़ जाता है, उससे क्या होता है एम्पलीफायर का और खुद का कोई नुकसान नहीं आता है। और जो मैं आप लोग को हर वीडियो में स्लिप दिखाता हूँ, ये स्लिप से क्या होता है कि जो अगर चूहे तार काटने का कोशिश भी करे, चूहे तार नहीं काट पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा हीट से भी सेव रहता है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। जो वायर पर आप स्लिप चलाते हो तो उसका आपका लॉन्ग लाइफ थोड़ा काफ़ी अच्छा हो जाता है, और जो हमिंग वुमिंग की कोई आवाज़ नहीं आती है कि कहीं ये तार टच होता है, एक दूसरे से करंट नहीं मिलता है, ये चीज़ ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम इससे स्लिप से हमें कम मिलती है। तो मैं चलता हूँ आप 5 चैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोग को 5 चैनल वाली फायर दिखाता हूँ जो हमारा हर्ट्स का रहने वाला है। तो सीट डाल चुके हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा 5 चैनल वाली फायर है जो हमारा हर्ट्स का रहने वाला है। और जैसे मैं आप लोग को वायरिंग दिखाया था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ भी स्लिप दिखी होगी आप लोग को, और यहाँ भी स्लिप चली हुई है, हीट सिंक चली हुई है, और जो हमारा स्पीकर्स वायर है ये भी सारा कनेक्शन की यूज करें कि काफ़ी अच्छी रहती है। जो बैटरी वायर है भी कनेक्शन की है, और सारा कॉपर रहने वाला है। और जो फ्रंट का 3 वे है हमारा एल्पाइन के रहते हैं R2 सीरीज, जो आप लोग को दिख भी रहे होंगे, R सीरीज के क्रॉस ओवर है। अब ये जो सेटअप कर रहे हैं हम, पैसिव सेटअप कर रहे हैं। जो पैसिव सेटअप में क्या होता है कि जैसे आप लोग को जो क्रॉस ओवर दिख रहे हैं, ये एम्पलीफायर से हमने एक इनपुट दिए यहाँ पे, यहीं से मिड बेस में पावर जा रहा है और यहीं से मिड रेंज में जा रहा है और यहीं से टूटर में जा रहा है, मतलब पूरा 3 वे क्रॉस ओवर चलता है, जो हम उसको कहते हैं पैसिव सेटअप। ये पैसिव सेटअप में क्रॉस ओवर लगता है। और जो मैं आप लोग को बताया था कि जो हम एल्पाइन के हेडमेट वो भी दिखाऊंगा, जो कस्टमाइज पिलर पोर्ट्स है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत प्यारी फिटिंग आई है। और जो मैं आप लोग को एल्पाइन की स्क्रीन की बात करा था, ये हमारे 7 इंच की एल्पाइन की स्क्रीन रहते हैं, जो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इससे बात करें, जो अगर हम स्क्रीन चेंज करते हैं, अगर अच्छे किसी ब्रांड के लगाते हैं, तो जो हमारे स्पीकर के आउटपुट वूफर के आउटपुट काफ़ी अच्छी आती है, और सारा फीचर भी मिल जाता है। जो कंपनी फिट हेडमेट है उसमें इतनी अच्छी आउटपुट नहीं मिलती है। अगर बात करें जो एंड्रॉयड भी कई ब्रांड की है, तो समझ नहीं आता, जो आपकी पायनियर, सोनी, अल्पाइन, JVC वगैरह में आते हैं, तो हमें इस पर जो आउटपुट है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और जो रियर में हमने 2 वे लगाए, मैं आप लोग को रियर का 2 वे दिखाता हूँ, वो रहने वाला है हमारा ऑडिशन का OC3, जो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ भी क्रॉस ओवर लगा हुआ है, इसमें जैसे आप लोग को बताया था, एक इनपुट से टूटर में यहीं से आ रहा फ्रीक्वेंसी, और मिड बेस को जो चाहिए यहीं से जा रहा है। तो सारा जो कंट्रोल करता है ये हमारा क्रॉस ओवर करता है। और मैं आप लोग को सबवूफर दिखाता हूँ, तो आप लोग सबवूफर चेक कर सकते हैं। जो हमारा बॉक्स है, ये सील्ड बॉक्स में सबवूफर लगा हुआ है, कि मतलब जो बेस की अगर क्वालिटी बोले तो सील्ड बॉक्स में काफ़ी अच्छी आता है। जो हम पोर्टेड बॉक्स लगाते हैं उसमें सबवूफर लाउड ज़रूर बजता है, लेकिन जो क्वालिटी की बेस हमें सील्ड बॉक्स में मिलता है। और जो डैम्पिंग है, आप लोग डैम्पिंग चेक कर सकते हो, और बाकी ओवरऑल काम हो चुका है। मैं आप लोग को इसकी डोर्स पैक करके फिर मैं आप लोग को लास्ट में इसकी आउटपुट सुनाता हूँ। तो पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं, तो मैं आप लोग को इसकी जो है 3 वे की सबसे पहले आउटपुट सुनाता हूँ।
मैंने आउटपुट सुना दी है। अगर बात करें जो पैसिव सेटअप है, जो हम थ्री वे लगाते हैं टू वे लगाते हैं, तो थ्री वे की जो थ्री वे फर्क है, जो वोकल है काफी अच्छी जाती है, क्योंकि जो सामने हम पिलर पोर्ट सुनाते हैं मिड रेंज में वोकल के लिए हम सामने से आती है, तो काफी हमें अच्छा लगता है कि जो वोकल की क्वालिटी काफी अच्छी आ जाती है। अगर जो बेस दिखाया था मैं आप लोगों को, बेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जो स्क्रीन है 7 इंच है, छोटी स्क्रीन है, लेकिन आवाज काफी से भी अच्छी आ रही है, जो एल्पाइन की आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो जो ब्रांड है तो ब्रांड के हिसाब से काफी अच्छी आवाज आ रही है। अगर आप लोग को हिसाब से काम करवाना है तो आना कहें ड्रीम ऑडियो, जो नियर मेट्रो है और ओपोजिट पिलर नंबर 343 के सामने दुकान है, जो आप लोग को दिख रहे हो मेट्रो के पिलर है, मेन रोड की दुकान है, और कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से आके गाड़ी में काम करवा सकते हैं, कि नहीं भैया गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हो, बाहर भी जगह है और अंदर भी जगह है। मतलब जिस हिसाब से आप लोग काम करवाते हो, कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे काम है तो बाहर भी कर देते हैं, अगर कोई पूरी गाड़ी काम करते हैं तो फिर गाड़ी के अंदर खड़ी करके वहाँ सारे गत्ते उत्ते खोलते हैं कि किसी तरह से आपकी गाड़ी में स्क्रैच ना आए, कोई डेंट पेंट ना आए, मिट्टी ना आए। तो उस हिसाब से हम जगह ली हुई है, आप लोग काम करवा सकते हो। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211122007, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो हम वीडियो करेंगे यहीं एंड। जय श्री राम।